आप लोग देख सकते हो वीवो T2 Pro 5G, इसका रिव्यू लेंस। कैसे हो आप सब? तो वेलकम टू सॉ व्लॉग्स एंड टेक। तो आज आपके लिए लाए हैं ये, मैं इसको 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग को दिखाते हैं कि ये मतलब वर्थ इट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरे को फ्लिपकार्ट में 24,000 का पड़ा है, ठीक है। और एक्चुअली में अगर आप लोग देखोगे तो इसका MRP आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 28,000 का MRP है, ठीक है। और इसके साथ फ्रेंड्स हम लोग को मिलता है ये कवर केस। तो चलिए इसको प्यार, तो मैं इसको ओपन करने कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस इसका कवर केस है, पिन कोड और चार्जर है। चार्जर आपका 66 वॉट का चार्जर है। तो ये वाला वेरियंट है आपका 256 GB वाला वेरियंट है और 8 GB रैम है। ये फ्रेंड्स 5G सेट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका जो पैनल है ये ग्लॉसी है, ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो पूरा ग्लॉसी पैनल है यार। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, लुक्स में भी। और इसका जो अरोरा लाइट है, ऑरा लाइट जिसको बोलते हैं, ये देखो ये वाला, तो आप लोग फोकस करके भी ये देख सकते हो। तो ये देखो ये जो ऑरा लाइट चल रहा है, ये फ्रेंड्स और भी अच्छा लगता है, ठीक है। और नाइट में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो कैमरा है, इसमें सिर्फ दो ही कैमरा है, एक है आपका 50 MP का और एक है 2 MP का। और फ्रंट जो कैमरा है इसका 18 MP का फ्रंट कैमरा है, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट डिस्प्ले भी आता है, फेस लॉक भी आता है, ठीक है। और इसका रिफ्रेशिंग रेट है 60Hz और 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट भी आता है। इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बोल के, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो हो रहा है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बोल के लिखा हुआ है। और इसका लोग नीचे में देख सकते हो, ये स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप है, आपका सिम यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। और माइक, एक माइक यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंडरी माइक यहाँ पे। इस साइड पावर का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और इस साइड तो कुछ है नहीं। फ़ोन फ्रेंड्स लाइट वेट बोल नहीं सकते हम लोग, ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा हैवी है। तो फ्रेंड्स आइए आपके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रंट टच OS 14 आता है इसमें, और फ़ोन का जो डिवाइस का नेम है यहाँ पे शो कर रहा है, वीवो T2 Pro 5G। प्रोसेसर जो इसका है 2.8 GHz, डायमेंसिटी 7200 ऑक्टा कोर है। रैम आपका इसमें 8 GB मिल जाता है, इसमें एक्सपेंडेबल रैम 8 GB है। और स्टोरेज आप देख सकते हो 256 GB का स्टोरेज है। और इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छा बैकअप दे रहा है फिलहाल तो। जैसे आप लोग देख सकते हो 73% बैटरी है, अभी भी दिखा रहा है 20 आवर्स 35 मिनट्स का, ठीक है। तो यूजुअली फ्रेंड्स इसका जो बैटरी है 4600 mAh का बैटरी है। तो फ्रेंड्स इसको एक दिन चार्ज करता हूँ तो 24 घंटा चल जाता है आराम से, गेमिंग वेमिंग सब कुछ लेके तब आराम से चल जाता है। और इसका बेस्ट चीज़ मुझे फ्रेंड्स ये लगता है, आप लोग इसका अगर आई मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक यूटिलिटी टूल है। इस यूटिलिटी टूल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ोन कूलिंग बोल के एक सिस्टम है, इसको आप लोग ऐसे क्लिक करोगे तो फ़ोन जो है वो आपका टेम्परेचर चेक करेगा, चेक करके कूल डाउन करने का एक ऑप्शन आता है, उससे जो है फ़ोन देख सकते हो आप कूलिंग हो रहा है। ये 1 मिनट लेता है फ़ोन को पूरा कूल, जैसे देख सकते हो कूलिंग डाउन CPU। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कूलिंग कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए कूलिंग कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो हम लोग इसमें हट जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं, अल्ट्रा गेमिंग मोड आता है इसमें, बैटरी भी मैनेज कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है जो ऑप्टिमाइजिंग करता है, इसमें हम लोग सिक्योरिटी स्कैन भी कर सकते हैं, स्पेस क्लीनअप भी है, डाटा मैनेज भी कर सकते हैं, ऐप्स को भी मैनेज हम लोग इसी में से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब लगता है एज अ यूजिंग पर्पज, और ऐसा कुछ लैग वैग करता नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इसमें कैंडी क्रश, तो ये तो नॉर्मली है। तो ड्राइव जोन को मैं हाई ग्राफिक्स में भी खेलता हूँ, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो गेम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कोई लैगिंग इशू नहीं हो रहा है, एकदम बहुत आसानी से गेम जो है लोड ले ले रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गेम जो स्टार्ट हो चुका है, कोई लैगिंग इशू नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को सेटिंग्स में से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग पूरा सेटिंग्स इसका हाई है। अगर हम लोग इसका कस्टम में करेंगे तो सब कुछ, अगर मैंने इसका हाई कर दिया तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मैंने पूरा इसका हाई ग्राफिक्स में कर दिया है, गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, ये देखिए प्रॉपर लोड हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ है, आप लोग जब गेम खेलोगे
तो आधा घंटा मतलब 30 आवर्स के बीच आप लोग बोल सकते हो, आधा घंटा गेम प्ले के बाद हल्का सा जो है फ़ोन हीटअप होता है, ठीक है, एकदम हल्का सा। तो ये देखो गेम जो है स्टार्ट हो चुका है, देखो कोई लैग इशू नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो गेम एकदम प्रॉपर प्ले हो रहा है, कोई लैग इशू नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हो पूरा प्रॉपर गेम प्ले हो रहा है। तो यार गेमिंग में कोई इशू नहीं है, हल्का सा यार हीटअप होता है वो तो सब फ़ोन में ही होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा अगर फ़ोन हीट हो जाता है तो हम लोग इसको इसी मैनेजर के थ्रू जाके फ़ोन को हम लोग कूल डाउन कर सकते हैं यहीं से, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसका कैमरा भी जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा कैमरा है, ठीक है, मैं इसका कैमरा का भी कुछ सैम्पल्स आप लोग को स्क्रीन में शो करता हूँ, आप लोग वो कैमरा शॉट देख लो, देख के फिर आप लोग बताओ कि कैसा लगा इसका कैमरा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हो फ़ोन क्या ज़बरदस्त लगता है पीछे से, एकदम प्रीमियम लुक देता है, मतलब इन हैंड आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार मैं इतना सस्ता फ़ोन लेके चल रहा हूँ, फोन में कोई लुक्स नहीं कुछ नहीं। इस फ़ोन को अगर आप हाथ में लेके चलोगे ना बिना कवर का, ये इसका कवर केस है, मैं तो यूजली कवर केस यूज़ करता हूँ क्योंकि ये पीछे में मैट ग्लॉसी है तो मुझे डर लगता है यार कहीं स्क्रैच व्रैच लग गया। तो अगर आप इसको वैसे भी इन हैंड लेके चलोगे, इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है, इन हैंड फील आप लोग देख सकते हो बहुत हैंडी है, आप लोग इसको आराम से हैंड में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो है फ्रेंड 6.7 इंचेस का फ़ोन है तो अच्छा खासा बड़ा है, हैंडी भी है, आप इसको आराम से हाथ में कैरी कर सकते हो, गिरने वरने का कोई चांस नहीं। और फ्रेंड्स ऊपर से ये कर्व्ड ग्लास है, आप सभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन जो है इसका पूरा कर्व्ड है, ये देखो पूरा कर्व्ड स्क्रीन है। और इसका जो है पंच होल कैमरा आता है तो फ्रेंड्स सामने से बहुत अच्छा लगता है और प्रीमियमनेस तो भरा हुआ है इस फ़ोन में। और ऊपर से आप लोग देख सकते हो इसमें फिंगरप्रिंट भी आता है तो यार ये और भी अच्छा लगता है। और इसका तो ये चीज़ जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये जो ऊपर में फ्लैट जैसा है, ये फ्लैट है बोल के और भी अच्छा लगता है, ऊपर से भी फ्लैट है नीचे से भी पूरा फ्लैट हुआ हुआ है। तो ये फ्रेंड्स फ़ोन कुछ ऐसा है, तो ये इसका बॉक्स आप लोग देख ही सकते हो T2 Pro। तो फ्रेंड्स ये 5G आता है, ठीक है, और इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 120 हर्ट्ज़ कर्व एमोलेड डिस्प्ले है। और इसका जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का OIS एंटी शेक कैमरा है, मतलब इसको ज़्यादा जोर से हिलाओगे तो उतना ज़्यादा ये शेक नहीं होगा। और इसमें आप देख सकते हो स्मार्ट ऑरा लाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो और तो फ्रेंड्स इसमें बॉक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं। फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को आप लोग अगर यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो आप लोग को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।